हेलो बडीज, एक मिनट में समझेंगे सरफेस केमिस्ट्री के एडसॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस। टंग ट्विस्टर टाइप का हो गया। एडसॉर्प्शन है क्या? एक्युमुलेट हो जाना किसका? द्वितीय आयंस का सरफेस पे ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। डिफरेंस देख सकते हो, एडसॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है, क्लिंग होगा सरफेस पे, लेकिन एब्जॉर्प्शन में बल्क में होगा। कुछ पॉइंट देखते हैं। ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मींस हीट रिलीज होगी, सरफेस फिनोमेना है। कंसेंट्रेशन सरफेस पे ज्यादा रहेगा, बल्क में कम रहेगा और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। एब्जॉर्प्शन वहीं पे एंडोथर्मिक है, हीट देनी पड़ेगी, बल्क फिनोमेना है। कंसेंट्रेशन सेम रहेगा, इफेक्ट नहीं होता है टेम्परेचर से, ठीक है। एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन क्या है बॉस? एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मींस एनर्जी बाहर आएगी, उसी को कहते हैं। ऐसे ही एक मिनट के लिए वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए चैनल।